हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेटरन्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 जनवरी से 15 जनवरी के करंट अफेयर्स। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस दौरान रही हैं उनको हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, और पहली न्यूज़ हमारे पास एक साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है सन को धरती पर लाने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे पास सन को धरती पर लाने की बात चल रही है। ये कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली सन के अंदर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन को अर्थ पे कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल। चाइना का एक इंस्टीट्यूट है, हाफियाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेस। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि इस हमारे पास इंस्टीट्यूट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम दिया गया ईस्ट। अब ईस्ट की फुल फॉर्म क्या है, ये देख लेते हैं। ईस्ट की फुल फॉर्म है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक। अब बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हुए चाइना ने फ्यूजन रिएक्शन एग्जीक्यूट की है। फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बिग न्यूक्लियस बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, बहुत हैवी एनर्जी रिलीज होती है। इससे चाइना को एडवांटेज क्या मिलेगी, चाइना चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा और अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट को और ज़्यादा रिड्यूस कर पाएगा। तो जो चाइना का सामान पहले ही बहुत सस्ता है, आगे चलकर और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा अगर ये एक्सपेरिमेंट ये सक्सेसफुल कर पाए तो। इसके अलावा आपने यहाँ पर याद रखना है कि बेसिकली क्वेश्चन हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो ईस्ट प्रोग्राम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व है, और या आपसे ये पूछा जा सकता है कि सन के अंदर हमारे पास कौन सी रिएक्शन चलती है, तो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके, और सन को स्टडी करने के लिए आपको बता दूं, सन को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए आज की डेट में एक मिशन चल रहा है नासा का, दैट इज पार्कर सोलर प्रोब। तो बेसिकली यूएस का मिशन है पार्कर सोलर प्रोब, जहां पर सन को स्टडी करने की बात चल रही है। सो डू रिमेंबर, पार्कर सोलर प्रोब हमारे पास किस कंट्री का एक मिशन है, ये हमारे पास यूएसए का मिशन है, बेसिकली से नासा एग्जीक्यूट कर रहा है। हाँ जी, क्लियर। सो डू रिमेंबर, ये बेसिक फैक्ट्स हमारे पास याद रखे एग्जाम पॉइंट से। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास क्लाउडेड लेपर्ड स्पॉटेड। क्लाउडेड लेपर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, क्लाउड्स बने होते हैं, देखिए आप इसकी स्किन पर क्लाउड्स लाइक फॉर्मेशन होती है। तो पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं कि लेपर्ड अलग होता है, चीता अलग होता है और टाइगर अलग होता है। हमारे यहाँ देख के कोई भी ये बोल देगा कि लेपर्ड भी सेम है, टाइगर भी सेम है, चीता भी सेम है, लेकिन ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं। भारत में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, टाइगर भी मिलेगा और लेपर्ड भी, लेकिन चीता भारत में नहीं है। लेकिन हाँ, अब भारत में चीता भी लाया जा रहा है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाया जाएगा और उसको मध्य प्रदेश में हमारे पास, आपको बता दूं यहाँ पर, सॉरी हाँ जी, उसको एमपी में हमारे पास, एमपी में कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर सेटल डाउन करने की कोशिश की जाएगी। और भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर और जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो भी आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको एमपी में। अब यहाँ पर आपको देखने को न्यूज़ जो मिली है वो क्या है कि क्लाउडेड लेपर्ड हमारे पास स्पॉट किया गया है नागालैंड में, म्यांमार बॉर्डर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक पहले तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि हाल ही के टाइम में जो स्पॉटेड लेपर्ड है वो कहाँ देखा गया, सॉरी क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ स्पॉट किया गया, नागालैंड में। और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि क्लाउडेड लेपर्ड को लोकली यहाँ पर खेपक के नाम से जाना जाता है। तो खेपक किसका लोकल नेम है, तो आपने याद रखना है क्लाउडेड लेपर्ड का। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर मैं स्पेशली आपके लिए मेंशन करना चाहूँगा, वो क्या कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है, अब देखिए क्लाउडेड लेपर्ड मिला है नागालैंड में, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, दैट इज इन त्रिपुरा। सो डू रिमेंबर दिस बेसिक फैक्ट दैट इफ दे आस्क यू इन द एग्जाम कि हमारे पास क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ है, सो दैट इज इन त्रिपुरा, ठीक है। नेशनल पार्क्स में एक नेशनल पार्क जो रिपीटेडली हमारे पास पूछा जाता है, दैट इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है जब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की। तो कीबू लैमजाओ नेशनल पार्क जो है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ये भारत का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। सो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो दैट इज कीबू लैमजाओ नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है पब्लिक हॉलीडे नोट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को कुछ लेकर कुछ बात कही है। देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल राइट का गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन होती है तो आप बच्चे यूज़ करेंगे आर्टिकल 32 का और आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट।
आप आर्टिकल 32 का यूज करेंगे और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके, और आर्टिकल 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि पब्लिक हॉलीडेज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज और टर्म जो है यूज की गई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गजेटेड हॉलीडे की टर्म यहाँ पर यूज की गई है। सो गजेटेड हॉलीडे जो है ये क्या होता है, पहले तो मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पर आइडिया रखना पड़ेगा कि गजेट हॉलीडे क्या होता है। सो गजेट हॉलीडे के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, ये टर्म ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रीज में यूज की जाती है। और गजेट हॉलीडे हमारे पास भारत में वो हॉलीडेज होते हैं जहां पर सारे इंस्टीट्यूशंस क्लोज रखने के लिए एक तरह से कहा जाता है। तो ये डिसाइड कौन करता है, अभी एक अच्छा क्वेश्चन कि भारत में गजेट हॉलीडे डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। और भारत में टोटल 16 गजेटेड हॉलीडे है, ये आपको बता दूं कि भारत में 16 गजेटेड हॉलीडे है। नेशनल हॉलीडेज तीन ही है, नेशनल हॉलीडेज तीन ही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, नेशनल हॉलीडेज तीन ही है, गजेटेड हॉलीडे 16 है। हाँ जी क्लियर, तो डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है वीर बाल दिवस। एक बहुत ही अच्छी खबर हमारे पास देखने को मिली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पास क्या किया है कि जो 4 साहिबजादे, ठीक है, जो उनकी वीरता के लिए जाने जाते हैं, जो 4 साहिबजादे जो भी उनकी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, उनके नाम पर वीर बाल दिवस यहाँ पर एक डे उनके लिए रखा है। और ये डे ऑब्जर्व किया जाएगा 26 दिसंबर को। आपको बता दूं कि जो हमारे पास जो 2 छोटे साहिबजादे थे, ठीक है, उनकी याद में बेसिकली ये जो डे है वो मनाया जाएगा, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें 4 साहिबजादे, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं मैं कि ये वो 4 हमारे पास ग्रेट वॉरियर्स थे जो कि सन थे किसके, गुरु गोविंद सिंह जी के। ये 4 ग्रेट वॉरियर हमारे पास सन थे, पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी के। हाँ जी क्लियर, ओके। सो ही वॉज द 10th सिख गुरु, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है उनके 4 जो बेटे थे उनका नाम क्या था, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि फतेहगढ़ साहिब में, ठीक है, फतेहगढ़ साहिब में हमारे पास शहादत जो है वो हुई थी, और उसके बाद हमारे पास बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इनका बदला लिया था, और उसी की याद में छप्पर सीढ़ी बुर्ज जो है वो बना हुआ है हमारे पास यहाँ मोहाली के पास, ओके। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास नेशनल वाटर अवार्ड। अब नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 22nd of March को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, 22nd of March को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। अब आपको जो चीज़ें याद रखनी है बच्चे, हमारे पास भारत में वाटर को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके लिए काम करती है, और यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को। हमारे पास उत्तर प्रदेश को यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट प्राइज, और उत्तर प्रदेश की ही जो डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला। तो स्टेट्स में बेस्ट अवार्ड यूपी को, डिस्ट्रिक्ट्स में बेस्ट अवार्ड मुजफ्फरनगर को, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। देखो अभी हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, कुछ समय पहले भारत की वाटर प्लस सिटीज का एक कंसेप्ट आया था। भारत की पहली फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सी है, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी है हमारे पास इंदौर, ठीक है, याद रखिएगा भारत की फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सी है, इंदौर। हाँ जी क्लियर। और अभी रिसेंटली आंध्रा से 3 वाटर प्लस सिटीज और रिकॉग्नाइज की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास स्नो स्टॉर्म इन मरी। अब मरी नाम का एक हिल स्टेशन है पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे स्नो हुई और कई लोग मारे गए। अब आप कहेंगे कि सर हम ये न्यूज़ क्यों कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मरी में स्नो हमारे पास स्टॉर्म आई भी है और कुछ लोग अगर मारे गए तो इसमें हमारा क्या कंसर्न, इसमें हम कहाँ से इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा बच्चे, ध्यान सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मरी जो है वो हमारे पास पीर पंजाल रेंज में हमारे पास दिखाई देता है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए अभी आपको पता चल जाएगा। सो मरी जो था, अब यहाँ पर आपको जो चीज़ याद रखनी है बच्चे, वो समर कैपिटल था पंजाब की। तो अभी हमारे पास पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। हाँ जी, चंडीगढ़ से पहले लाहौर थी, लाहौर से पहले शिमला। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हम अच्छे अच्छे ऑर्डर में देखने की कोशिश करें तो अभी कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पहले हमारे पास थी कौन सी कैपिटल थी,
लाहौर, पंजाब की कैपिटल लाहौर थी, ठीक है। लाहौर से पहले अगर हम बात करें तो लाहौर से पहले हमारे पास शिमला, और शिमला से पहले मरी। तो आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि मरी जो था वो हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, वो समर हेडक्वार्टर ऑफ द कॉलोनियल पंजाब, 1876 तक मरी जो था समर हेडक्वार्टर था कॉलोनियल पंजाब का, और इसको शिमला मूव कर दिया गया था। हाँ जी क्लियर। तो यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये समर कैपिटल का कंसेप्ट था बेसिकली। तो हमारे पास मरी जो है वो फर्स्ट आइडेंटिफाई एज पोटेंशियल हिल बाय द जेम्स अबॉट, और इनके नाम पे आबटाबाद नाम से एक जगह भी है, अगर आपको बताओ पाकिस्तान में एक फेमस जगह है। सो आपको पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो चीज आपने याद रखनी है कि मरी जो था वो समर हेडक्वार्टर था हमारे पास कौन से ईयर तक, और किस ईयर में उसको शिमला को समर हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया गया, मतलब कि मरी से शिमला समर हेडक्वार्टर कौन से ईयर में शिफ्ट हुआ, दैट इज इन द ईयर 1876। अभी मरी न्यूज में था, याद रखिएगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि स्नोफॉल हुई और गाड़ियां जो है वो फंस गई। इस चीज का फायदा उठाकर जो होटल मालिक थे उन्होंने क्या किया, किराया 90,000, जी हाँ मैं सही बता रहा हूँ, एक रात का किराया 90,000 रुपए रख दिया, किसी ने 1,00,000 रुपए रख दिया। तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई और ह्यूमैनिटी जो है वो दम तोड़ गई, ठीक है, ह्यूमैनिटी मर गई। तो अल्टीमेटली बहुत से लोग जो हैं वो गाड़ियों में रहने में मजबूर हुए और हीटर उन्होंने चलाए, और इसी के चलते काफ़ी लोगों की डेथ हो गई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई कार के अंदर और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो ये मरी जो है अभी न्यूज़ में था, तो इस चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। अब देखो बच्चों, मेट्रो की बात करें तो मेट्रो भारत के काफ़ी सारे शहरों में चल रही है और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए काम चल भी रहा है। भारत में सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम आपने अगर देखा तो दिल्ली का मेट्रो सिस्टम है। अभी यूपी के अंदर कई जगहों पर मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है और मेट्रो जो है वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करती है अर्बन ट्रांसपोर्ट में। तो हमारे पास देखिएगा कि जैसे हमारे पास मेट्रो जो है वो हमारे पास एक तरह से लैंड के ऊपर हमारे पास यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट आया है जिसमें कुछ इस तरह की मेट्रो बोट चलाने की बात की जा रही है सब अर्ब्स में। हाँ जी, और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। आपको मैं ये भी बता दूं कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, वो भी आपको भारत के मेट्रो मैन के नाम से मशहूर जो पर्सन है ई श्रीधरन, वो भी आपको कहाँ से मिलेंगे, ही इज फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम केरला। ई श्रीधरन याद रखिएगा, इज नोन टू बी द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये भी आपको केरला से देखने मिलेंगे और केरला में अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वाटर पोटेंशियल को हमने अब जाना है कि वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। एग्जाम पॉइंट से आपने ये भी याद रखना है कि भारत में अगर मैं बात करूं नेशनल वाटरवेज की, भारत में बात करूं नेशनल वाटरवेज की, जैसे नेशनल हाईवेज हैं तो उसी तरह से नेशनल वाटरवेज भी हैं जिनको NW के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कुल 111 नेशनल वाटरवेज जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसमें सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है NW1। हाँ जी क्लियर, नेशनल वाटरवे 1। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो आपको मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि 9 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस क्यों। देखिए महात्मा गांधी जो है वो हमारे पास कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। लंदन से जब वापस आते हैं तो वकालत का काम यहाँ पे बॉम्बे में कुछ जम नहीं पाता उनका। तो इसी दौरान हमारे पास क्या होता है कि ध्यान सुन लेना, एक गुजराती ट्रेडर जो अफ्रीका में भी व्यापार किया करते हैं, दादा अब्दुल्ला, एक गुजराती ट्रेडर जो साउथ अफ्रीका में भी व्यापार करते थे दादा अब्दुल्ला, वो गांधी जी को बोलते हैं कि क्या मेरे केस के लिए, मेरे केस के सिलसिले में आप साउथ अफ्रीका जा सकते हो। एक तरह से साउथ अफ्रीका के लिए इनवाइट किया जाता है दादा अब्दुल्ला के द्वारा, और गांधी जी उसके बाद साउथ अफ्रीका ट्रेवल करते हैं 1893 में, और काफ़ी साल वहां रहकर जो हमारे पास कानूनी दाव पेश हैं, कई सारे तरीके हैं वो सीखते हैं, और फिर भारत में वापस कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आते हैं और इसी को हम ऑब्जर्व करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो क्वेश्चन जो आपने याद रखना है, महात्मा गांधी वापस कब आए 1915 में, एग्जैक्ट डेट 9 जनवरी 1915, किसने इन्वाइट किया था इनको, दादा अब्दुल्ला ने इन्वाइट किया था, और भारत में आकर इन्होंने पहला जो सत्याग्रह लीड किया, महात्मा गांधी ने जो फर्स्ट सत्याग्रह लीड किया वो कौन सा सत्याग्रह था, याद रखेगा चंपारण सत्याग्रह। वो कौन सा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सो डू रिमेम्बर चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी ने, जो कि बिहार में एक जगह है बेसिकली, जो महात्मा गांधी ने भारत में लीड किया था। नेक्स्ट न्यूज बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज है उर्जित पटेल
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, अब देखिए एडब्ल्यूआईबी, सॉरी एडब्ल्यूआईबी हियर मींस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब देखो चाइना हर चीज में चाहता है कि वो यूएसए को रिप्लेस कर दे, यूएसए की जगह ले ले, सुपर पावर बन जाए, तो उसके लिए उसे हर वो चीज करनी पड़ेगी जो यूएसए करता है। अब यूएसए का दबदबा पूरे विश्व में है थ्रू वर्ल्ड बैंक, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक में मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है वो यूएसए है, वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसके हैं, यूएसए के। तो यहां पर चाइना ने उसी को काउंटर करने के लिए एडब्ल्यूआईबी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। तो वर्ल्ड बैंक हमारे पास यूएस की डोमिनेशन में है, यूएसए, और एडब्ल्यूआईबी की जब मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास चाइना, ठीक है। सो डू रिमेंबर हमारे पास किस कंट्री का मेजोरिटी शेयर होल्डर है, होल्डर है, तो एडब्ल्यूआईबी में चाइना मेजोरिटी शेयर होल्डर है और वर्ल्ड बैंक में यूएसए मेजोरिटी शेयर होल्डर है। लेकिन एडब्ल्यूआईबी की खास बात क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की खास बात क्या है, कि इसमें सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडिया है। जी हाँ, याद रखिएगा एडब्ल्यूआईबी जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास आपको कहां देखने मिलेगा, एडब्ल्यूआईबी का हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा बीजिंग में, बच्चों हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा बीजिंग में, इसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन इंडिया को मिलती आई है। तो यहां पर आप देखिएगा उर्जित पटेल जो आरबीआई के 24th गवर्नर थे, अब वो बन चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडब्ल्यूआईबी। हाँ जी क्लियर। ऑल्दो इनका जन्म जो है वो केनिया में हुआ था, ठीक है, और 2018 में इन्होंने आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि ये अंबानी के रिश्तेदार हैं इसलिए मोदी साहब ने इनको आरबीआई के गवर्नर बनाया, लेकिन टोटली हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी आ जाता है, कुछ ही बकवास आ जाता है। एक्चुअली इनका हमारे पास अंबानी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, इनका तो जन्म भी इनफैक्ट केनिया में हुआ था, तो ये चीज याद रखिएगा। अभी राइट नाउ आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, याद रखिएगा। और एडब्ल्यूआईबी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पॉइंट से, जिन लिकैन। एडब्ल्यूआईबी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिकैन, और हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है उर्जित पटेल। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास ये 2015 में बैंक बना था, तो मैंने आपको बता दिया, और यही बात की गई है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस बैंक का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज क्या है, फातिमा शेख, तो ये हमारे पास इनको लेकर एक डूडल डेडिकेट किया गया था। अब डूडल क्या होता है कि हमारे पास गूगल को एक स्पेशल तरीके से, जो होम पेज है गूगल का वो स्पेशल तरीके से डेजिग्नेट करना, तो हमारे पास फातिमा शेख को लेकर अभी एक डूडल जो है वो रखा गया था। फातिमा शेख कौन है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो ये मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक थी, ठीक है, पहली मुस्लिम महिला शिक्षक। अब देखो हुआ क्या था बच्चे, मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी, ध्यान से सुनना। ज्योतिबा फूले जो थे, कुछ लोग सिर्फ बातें करना जानते, कुछ लोग काम करना जानते, ज्योतिबा फूले उनमें से थे जो काम करना जानते थे। ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे ज्योतिबा फूले, और साथ ही वुमेन्स की एम्पावरमेंट की बात करते थे। अब वुमेन की एम्पावरमेंट इन्होंने सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में करनी थी, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को एजुकेट किया। आपको बता दूं कि इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फूले, तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया, अपनी वाइफ सावित्री बाई फूले को एजुकेट किया, पढ़ाया लिखाया, और उनको एक टीचर बनाया ताकि आगे वो, हाँ जी, दूसरी लेडीज को पढ़ा सके, हाँ जी, गर्ल चाइल्ड्स को वो एजुकेट कर सके बेसिकली। तो भारत की पहली फीमेल टीचर कौन थी, सावित्री बाई फूले। डू रिमेंबर सावित्री बाई फूले हमारे पास ये भारत की पहली महिला टीचर थी, और इन्होंने पुणे में, आपको मैं ये बता दूं कि पुणे में गर्ल्स के लिए स्कूल भी शुरू किया था, और इनकी, इनका साथ देने के लिए, सावित्री बाई फूले का साथ देने के लिए आगे आई फातिमा शेख, जो अपने आप में बहुत डेयरिंग चीज थी, क्योंकि उस समय हमारे पास, आज भी अगर आप देखेंगे तो जो तालिबान है वो मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। उस समय में आप सोच के देखिए, किसी मुस्लिम लेडी का खुद पढ़ना और फिर दूसरों को एजुकेट करना कितना मुश्किल रहा होगा। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, कि हमारे पास दबे कुचले लोगों की हेल्प करने के लिए ज्योतिबा फूले ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी, सत्य सोडक समाज, ठीक है। सो डू रिमेंबर सत्य सोडक समाज नाम से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसने एस्टेब्लिश की थी, ज्योतिबा फूले ने, इन द ईयर 1873, ताकि समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ा जा सके। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, ज्योतिबा फूले की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, गुलामगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी नाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो थी वो हमारे पास ज्योतिबा फूले जी ने लिखी थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास फिर से चाइना से रिलेटेड न्यूज आ गई हमारे पास, चैंग फाइव,
लूनर लैंडर हैज फाउंडेड फर्स्ट एवर ओन साइंट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो देखो, जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान नाम से सीरीज चल रही है, इंडिया की तरफ से चंद्रयान नाम से एक सीरीज चल रही है। चंद्रयान सीरीज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि मून को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब चंद्रयान 3 लॉन्च होना है 2022 में। देखो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इंडिया के बारे में बता दूं, हम पहले अपने देश की बात करेंगे ना, चाइना की बात बाद में। चंद्रयान 3 के बारे में जब बच्चे हम बात करते हैं तो चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च करना है 2022 में, ठीक है। इसमें जाक्सा हमारी हेल्प करेगा, इसरो तो लॉन्च करेगा, जाक्सा हेल्प करेगा। जाक्सा क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो जापान चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में, उसके प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करेगा। तो ये तो आपने चीज़ याद रखनी है, 2022 में चंद्रयान लॉन्च हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो, कोविड ने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना की तो, क्योंकि कोविड के चलते प्रोजेक्ट्स भी डिले होते हैं ना बच्चे। अब हम बात करें कि सरफेस ऑफ मून पे हमारे पास, चाइना के सरफेस ऑफ मून पे हमारे पास यहाँ पर वाटर खोजा है चैंग 5 ने। आपको मैं बता दूँ कि चाइना जो है, चाइना का जो चैंग प्रोग्राम है, चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपना जो रोवर है, चाइनीज रोवर है, वो हमारे पास लैंड कराया था ऑन द फार साइड, फार्थेस्ट साइड ऑफ मून, जो मून की वो साइड जो हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो और ये इन्होंने क्या किया था, वहां से सैंपल्स भी कलेक्ट किए थे। तो आपने याद रखना है कि किस मिशन ने, चाइना के किस मिशन ने हमारे पास मून के सरफेस पे ऑन साइट वाटर की डिटेक्शन की है। ऑन साइट का मतलब ऑन दिस स्पॉट, पर्टिकुलर एक जगह पर। तो ये चैंग 5 है, और चैंग चाइनीज मून गोडेस का नाम हमारे पास कंसिडर किया जाता है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है। चाइना आने वाले टाइम में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, और स्पेस स्टेशन कोई छोटी बात नहीं होती बच्चों, बहुत बड़ी बात होती है। चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, नाम याद रखिएगा, तियांगोंग। तियांगोंग नाम से एक स्पेस स्टेशन बना रहा है स्पेस में, और ये उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाले टाइम में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने हमारे पास यहाँ पर बताया है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमारे पास आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे बारिश करेंगी झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार में। सो IMD की जब मैं बात करता हूँ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो ध्यान सुनिएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है, इसके करंट हेड कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। इसके डायरेक्टर हैं मृत्युंजय महापात्रा, और उनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो इसने हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर कहा है कि उसकी वजह से बारिश आपको देखने को मिलेगी, जो इन दिनों में बारिश देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं कि हमारे पास अगर हम देखें कि जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम होती है, जो ओरिजिनेट होती है मेडिटेरेनियन सी से, देखिए मेडिटेरेनियन सी से हमारे पास, सॉरी मेडिटेरेनियन सी से हमारे पास क्या होगा कि डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होंगी जो भारत की तरफ बढ़ेंगी। देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी से जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भारत की तरफ बढ़ रही हैं, और अल्टीमेटली आगे चलकर ये प्रेसिपिटेशन करेंगी, और इसकी वजह से विंटर सीजन में हमारे पास बारिश देखने को मिलेगी और स्ट्रॉम देखने को मिलेगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि विंटर सीजन में बारिश हमारे पास देखने का एक मेन रीजन क्या होता है, कई सारे रीजन होते हैं लेकिन उनमें से एक मेन रीजन क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। ओके नेक्स्ट हमारे पास, ओके रेड सैंडलवुड को लेकर हमारे पास लाल चंदन की लकड़ी। देखो यहां पर बच्चे ध्यान सुनना, ये जो लकड़ी आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पर, रेड सैंडलवुड, हाँ जी क्लियर, ये हमारे पास अब एक एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है, पेड़ एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई, इतनी बड़े लेवल पे कटाई चल रही है। आपको बता दूं कि ये पेड़ जनरली हमें ईस्टर्न घाट में मिलता है, और ईस्टर्न घाट में भी कहां, स्पेशली आंध्रा में, ईस्टर्न घाट में भी कहां, स्पेशली आंध्र प्रदेश में हमें ये पेड़ स्पेशली देखने को मिलता है। अब बच्चे बात ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें, जो रेड सैंडलवुड है ये हमारे पास एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है किसने, IUCN ने। व्हाट इज IUCN? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे पास बच्चे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल रेड लिस्ट पब्लिश करती है, याद रखना IUCN हर साल पब्लिश करती है रेड लिस्ट ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसमें बताया जाता है कि कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, खतरे के गार पे है, विलुप्त होने वाली है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो IUCN ने रेड सैंडलवुड को हमारे पास, हाँ जी, यहाँ पर इस कैटेगरी में डाल दिया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया। तो ये बात याद रखना
कि हमारे पास ईस्टर्न घाट में ही जनरली ये मिलती है, और ईस्टर्न घाट में भी जनरली कहाँ, आंध्र प्रदेश में। एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा हमारे पास सैंडलवुड, सिर्फ सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी कहाँ मिलती है, कर्नाटका में। कर्नाटका सबसे बड़ा सैंडलवुड प्रोड्यूसर है, और इसी वजह से मैसूर में बना है, मैसूरू में बना है भारत का फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम। याद रख लीजिएगा बच्चे, भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कहां बना है हमारे पास, कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूरू में। हाँ जी क्लियर। सो IUCN हमारे पास ग्लैंड स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करने वाली एजेंसी है, और हर साल ये रेड लिस्ट पब्लिश करती है ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो चाहे एनिमल की स्पीसीज हो। अब आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ये हमारे पास रेड सैंडलवुड एंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी में आई क्यों, इसका बहुत बड़े लेवल पे बच्चे यूज होता है चाइना और जापान की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो जहाँ चाइना वाले आ जाए उस चीज़ का बचना तो बहुत मुश्किल है। आपको पता होगा कि पेंगोलिन जो है उसको ये बहुत बड़े लेवल पे किल करते हैं उसके स्केल्स के लिए। कई सारे जानवर्स को जो हमारे पास वन हॉर्न राइनो होता है, एक सींग वाला गैंडा होता है, उसका सींग दवाइयों में यूज करते हैं, तो पता नहीं कितने जानवरों को मारते हैं, तो इनके तो कहने ही क्या। नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब बच्चे इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, इसमें आपने डायरेक्ट ही क्वेश्चंस याद रखने हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक बड़े लेवल के अवार्ड कंसीडर किया जाता है, इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा आपसे, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। तो जो पावर, जो मूवी है हमारे पास द पावर ऑफ द डॉग, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और इसी के डायरेक्टर हमारे को हमारे पास जेन चैंपियन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। सीधा सीधा क्वेश्चन। उसके बाद विल स्मिथ को हमारे पास गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है फॉर द किंग रिचर्ड। ठीक है, किंग रिचर्ड में विल स्मिथ हमारे पास एक फेमस एक्टर है हॉलीवुड के, और निकोल किडमैन एक फेमस एक्ट्रेस, इनको मिला है हमारे पास पांचवा गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनकी मूवी फॉर बीइंग द रिकॉर्डर्स। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। और जनरली मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहां पर ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखो ये हमारे पास आपको याद रखना है, देखो ध्यान सुनना, IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों एक साथ हमारे पास एस्टेब्लिश हुए थे आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, एक है हमारे पास वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की जब मैं बात करता हूं बच्चे, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद बनी, तो इसीलिए इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विन्स। तो आपने याद रखना है, कई पेपर से पूछ लिया जाता है कि ब्रेटन वुड ट्विन्स किसको बोलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक और IMF को बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विन्स। दोनों का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में आपको देखने को मिलेगा। अब IMF की जब हम बात करते हैं, तो IMF की करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, शी इज फ्रॉम बुल्गेरिया, ये बुल्गेरिया से है। अब यहां पर इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट की पोजीशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जो राइट नाउ कौन होल्ड कर रही थी, गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन से है, इंडियन अमेरिकन है, ये IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट थी। लेकिन अब इनको रिप्लेस करने के लिए कौन अपॉइंट हुए हैं, पीआर ओलिवर गोरिंचस, ठीक है, एंड ही इज फ्रॉम फ्रांस। सो डू रिमेंबर द नेशनैलिटी ऑल्सो, कई बार नेशनैलिटी भी पूछ लेते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह हो गई है कि इन्होंने गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही रिप्लेस्ड गीता गोपीनाथ, दैट्स वाई द न्यूज बिकेम मोर इंपॉर्टेंट फॉर वी पीपल। ठीक है, IMF से जनरली इंडिया लोन नहीं लेता, इंडिया लोन लेता है वर्ल्ड बैंक से, ये बात याद रखिएगा, IMF से इंडिया लोन नहीं लेता, इंडिया जनरली लोन लेता है किससे, वर्ल्ड बैंक से। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास LIC को लेकर है। देखिए LIC में गवर्नमेंट अब चाहती है कि आने वाले टाइम में वो विनिवेश करे, विनिवेश का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच दे। अभी LIC में 100% जो हिस्सेदारी है, 100% हिस्सेदारी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसके करंट चेयरमैन कौन है, MR कुमार। ठीक है, याद रखिएगा LIC के करंट चेयरमैन कौन है,
एमआर कुमार। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 20% हिस्सेदारी बेच दे। अब गवर्नमेंट को इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, फॉरेनर भी शेयर्स को खरीद सकें, तो इसके लिए गवर्नमेंट अमेंड करने जा रही है, चेंज करने जा रही है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स, फेमा। तो पहले तो फेमा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स को के अंदर तब्दीली करने जा रही है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने पिछले बजट्स में अनाउंसमेंट कर दी थी कि LIC के अंदर से विनिवेश किया जाएगा, हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट LIC के अंदर की जाएगी। LIC अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। मैं आपको एक अंदाज़ा अगर बताऊं तो देखो, भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी इस समय कंसिडर की जाती है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू तकरीबन तकरीबन $200 बिलियन के आसपास है। रफ एस्टिमेट ले रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल मार्केट वैल्यू 200 बिलियन के आसपास है। LIC की जब आप मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो तकरीबन तकरीबन ये $400 बिलियन के आसपास पहुंचेगी या उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी से भी ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो अब आपको LIC का पोटेंशियल समझ आ रहा होगा कि LIC अपने आप में कितनी बड़ी फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि FEMA के अंदर चेंजेस होने जा रहे हैं। तो अब FEMA के अंदर जब चेंजेस होंगे तो इसके बाद हमारे पास LIC के जो शेयर्स हैं वो खरीदे जा सकेंगे। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हम एक कई बार कंपनी वर्ड यूज़ करते हैं और कई बार हम कॉरपोरेट वर्ड यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कॉरपोरेट? देखो, कंपनी और कॉरपोरेट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत से लोगों को लगेगा सेम ही है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट डेफिनेशन में डिफरेंस है। कंपनी हम उनको कहेंगे जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगी। देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनी कहलाएंगी। जो भी कंपनी भारत में रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, ये सब कंपनीज है भारत के लिए। लेकिन जो हमारे पास फॉरेन में जो रजिस्टर्ड होंगी वो कॉरपोरेट कहलाएंगी। जैसे टेक द एग्जांपल, जो कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं आती, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, फेसबुक है, ये सारी कॉरपोरेट है। ओके, तो डू रिमेंबर दिस बेसिक थिंग। अच्छा, LIC के अंदर तो देखो, ध्यान सुनना, LIC के अंदर तो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, LIC के अंदर तो गवर्नमेंट 20% हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है। लेकिन नॉर्मल अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसमें कितने परसेंट FDI अलाउड है, इंश्योरेंस सेक्टर में कितने परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है, 74%। हाँ जी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में कोई बाहर की एंटिटी, कोई बाहर का पर्सन, कोई बाहर की कंपनी, सॉरी बाहर की कॉरपोरेट, नॉट कंपनी, बाहर की कोई कॉरपोरेट क्या कर सकती है, हमारे पास 74% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। सो डू रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, ओके, गेटवे टू द हेल्थ। अब देखो बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेजिडेंट हैं गुरबेंगुली, ठीक है, इन्होंने हमारे पास अनाउंसमेंट की है, जो गेटवे टू द हेल है इसको ये हमारे पास क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि गेटवे टू द हेल यानी नरक का दरवाजा, हिंदी में बनेगा नरक का दरवाजा, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि ये नरक का दरवाजा है क्या, एक्चुअली क्या हुआ था कि आपको बताना चाहिए कि 1991 से पहले एक ग्रुप हुआ करता था सोवियत यूनियन। ओके, तो हमारे पास सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई, आपको पता होना चाहिए कि सोवियत यूनियन की 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुई और ये 15 नेशंस में टूटकर बिखर गया, जिसमें से रशिया सबसे बड़ी कंट्री हमें देखने को मिला। तो उससे पहले ये जो था, ये जो हमारे पास तुर्कमेनिस्तान है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ USSR, यानी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास 1971 में यहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ गैस है, मतलब कि जो सोवियत साइंटिस्ट थे उनको लगता है कुछ गैस है, और उन्होंने लगा थोड़ी बहुत गैस होगी तो ये थोड़ी अगर आग जलाएंगे अल्टीमेटली इसको बर्न आउट कर देंगे तो ये एरिया साफ हो जाएगा, छोटी मोटी गैस होगी। अब इन्होंने क्या किया कि मिसकैलकुलेशन की और यहाँ पर आग लगा दी, और आपको बताना चाहिए कि आग आज तक नहीं बुझ पाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रेटर है, क्रेटर का मतलब क्या होता है, एक डिप्रेशन, एक खड्डा, ठीक है। खड्डा तो हम नॉर्मली बोल देते हैं लेकिन डिप्रेशन कहिए तो ज़्यादा बेटर है, दैट इज दरवाज़ा क्रेटर। आपके लिए याद रखना बहुत आसान है, नरक का दरवाज़ा और दरवाज़ा क्रेटर बहुत ही आसान है, और कौन सी कंट्री में, तुर्कमेनिस्तान में। तो फाइनली अब इसका सोर्स पता करके इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि ऑल दो इतना आसान नहीं होने वाला, इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च और करनी पड़ेगी, लेकिन न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा गेटवे टू द हेल या दरवाज़ा क्रेटर, जो अभी न्यूज़ में था और जिसको बंद करने की बात चल रही है।
नेक्स्ट न्यूज हमारे पास अगर हम देखें, हाँ जी, डॉक्टर्स ने क्या किया है, एक पिक के हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया इन द पेशेंट, इन द पेशेंट इन मैरीलैंड हॉस्पिटल इन यूएसए। अब देखिए समझने वाली बात, पेशेंट का नाम था डेविड बेनेट और उन्होंने बताया था कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया है। तो एक्चुअली ये जो पिक का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है नॉर्मल पिक नहीं था, इसके अंदर कुछ हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की गई थी। तो आपको याद रखना है कि वो पहला व्यक्ति जिसके बॉडी के अंदर हमारे पास पिक का हार्ट लगा है वो है हमारे पास डेविड बेनेट। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट व्यू से, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन या फिर हिट्रोलोगस ट्रांसप्लांट, ये क्या होता है कि जब किसी दूसरे स्पीसीज का कोई बॉडी ऑर्गन किसी दूसरी स्पीसीज में यूज किया जाए तो दैट इज नोन टू बी जेनो ट्रांसप्लांटेशन और हिट्रोलोगस ट्रांसप्लांट। तो याद रखना जेनो ट्रांसप्लांटेशन, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है जेनो ट्रांसप्लांटेशन का? हाँ जी गणेश जी, हाँ जी, तो इससे याद रख लेना कि गणेश जी में जेनो ट्रांसप्लांटेशन हुई थी। अब क्या हुआ था कि गणेश जी की जो हेड है वो हमारे पास चला गया था, तो एक हाथी का हेड लेकर वहां लगा दिया गया, तो दैट इज नोन टू बी जेनो ट्रांसप्लांटेशन। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ओके, सो डू रिमेंबर द टर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। अब ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो पासपोर्ट इंडेक्स कैसे बनता है, अब हेनले नाम की एंटिटी पासपोर्ट इंडेक्स प्रिपेयर करती है। इसमें होता क्या है बच्चे, आप आपकी कंट्री का पासपोर्ट देखा जाता है और पता किया जाता है कि कितनी कंट्रीज आपके पासपोर्ट पे वीजा ऑन अराइवल देती हैं। वीजा ऑन अराइवल का मतलब कि आपको पहले से वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप जाएंगे तो वीजा मिल जाएगा, या वीजा फ्री एंट्री देती है, आपको वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उस बेसिस पर यहाँ पर रैंकिंग निकाली जाती है। और वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट काफी समय से हमारे पास अगर हम देखें तो जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट ही वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट है। यहाँ पर आपको देखो 192 कंट्रीज, आप देख सकते हैं 192 कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री आपको प्रोवाइड करती हैं जापान एंड सिंगापुर में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और लास्ट रैंक किस कंट्री का रहा, देखो फर्स्ट रैंक रहा जापान और सिंगापुर का, लास्ट रैंक रहा मेरे पास अफगानिस्तान का, लास्ट रैंक हमारे पास किसका रहा अफगानिस्तान का। सो इंडिया इंप्रूव्ड इस पासपोर्ट पावर, ठीक है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, इंडिया ने अपनी पासपोर्ट पावर को इंप्रूव किया है और इंडिया का रैंक रहा 83rd। डू रिमेंबर इंडिया का जो रैंक रहा वो रहा 83rd। तो बेसिकली हमें ये सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम पॉइंट से याद रखने हैं, इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ जाता है, या तो इंडिया का रैंक पूछ लेंगे, या लास्ट रैंक पूछ लेंगे, या टॉप रैंक पूछ लेंगे। तो तीनों चीजें हमने कवर कर ली, बाकी आपसे कोई इसमें चीज नहीं पूछी जाएगी। हाँ, इसमें हम रैंक इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, तो हम दूसरे कंट्री के साथ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रांग बनाएंगे, दूसरे कंट्रीज को हम ये दिखाएंगे कि हमारे जो सिटीजन है अगर वो आएंगे तो आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा, टूरिज्म बूस्टअप होगा, तो वो हो सकता है वो कंट्रीज हमें वीजा फ्री एंट्री दे दें और अल्टीमेटली हमारा जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होती हमें दिखाई दे। हाँ जी क्लियर, और हो सकता है हमें अपनी रैंकिंग इंप्रूव होती दिखाई दे। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पुडुचेरी। अब पहला क्वेश्चन, नेशनल यूथ फेस्टिवल इस बार कहां मनाया जा रहा है, दैट इज इन पुडुचेरी, ठीक है। सो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास नेशनल यूथ डे। आपको बताना चाहिए कि हमारे पास इनका जो रियल नेम था, ठीक है, वो था नरेंद्रनाथ दत्ता, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अध्यात्म की वो ऊंचाइयां हासिल की जो शायद ही कोई ओल्ड एज में भी कर पाता है, ठीक है। अब ये हिंदू मोंक थे, फिलोसफर थे, ठीक है, डिसिप्लिन पर्सन थे बहुत ज़्यादा। और इनको किस लिए याद किया जाता है, इनके एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिश करने के लिए, दैट इज रामकृष्ण आश्रम, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, रामकृष्ण आश्रम, ठीक है। सो एक्चुअली आपको याद रखना है कि जो हमारे पास स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण आश्रम मार्ग की जो है वो स्थापना की। और इनको बेसिकली याद किसके लिए किया जाता है, हमारे पास
देखो विवेकानंद के बारे में जब भी बात होती है तो आपने याद रखना है कि इनको शिकागो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस के लिए याद किया जाता है, ठीक है? शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए याद किया जाता है, जो कि हुई थी 1893 में, ठीक है? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन याद रखिएगा, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन कौन से ईयर में हुई थी? 1893 में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुई थी, जहां पर शिकागो में, कहां पे हुई थी? शिकागो में, शिकागो इज इन यूएसए, और वहां पर स्वामी विवेकानंद ने एड्रेस किया था हमारे पास बहुत बड़े क्राउड को, और हिंदुज्म के बारे में पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश की थी, और इंडियन कल्चर के बारे में समझाया था कि हम हर धरती पे आए हुए हर पर्सन को एक हमारे पास अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो काफी अच्छी फिलॉसफी और इंडिया के बारे में काफी अच्छे जो विचार थे उन्होंने दुनिया के सामने रखे थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यूएस फर्स्ट कॉइन फीचरिंग ब्लैक वुमेन। अब पहले तो आपको मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में ये काम कौन करता है? तो यूएस में ये काम करता है यूएस फेडरल रिजर्व। तो पहली बात तो आपको याद रखना है यूएस का सेंट्रल बैंक, यूएस के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? यूएस फेडरल रिजर्व। हाँ जी, क्लियर। और यहां पर आपको याद, आपको बता दूं स्टूडेंट कि हमारे पास माया अंगलोवा, ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो यूएस कॉइन पे आपको पिक्चर इनकी देखने को मिलेगी, और ये रहा कोई वो कॉइन जहां पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर दिखाई गई है। तो एक्चुअली बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास जो ब्लैक जो पीपल हैं उनके राइट्स को कहीं ना कहीं एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, क्लियर। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, माया एंग्लोआ, ठीक है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो ये कौन है, तो ये हमारे पास एक एक्टिविस्ट थी। ओके, और अब इनका जो एक पिक्चर है वो आपको यूएस कॉइन पे देखने को मिलेगा, क्वार्टर डॉलर पे, यूएस क्वार्टर डॉलर पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास डीआरडीओ टेस्टेड MPATGM। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना। हाँ जी, ध्यान सुनिएगा बच्चे। डीआरडीओ ने यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, मैन पोर्टेबल, मैन पोर्टेबल का मतलब एक जो पर्सन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसका सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है। अब ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसे, जैसे अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी हो तो सनी देओल हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या करता है, एक गन को अपने कंधे पे, वो हमारे पास क्या है, वो पोर्टेबल हमारे पास एक तरह से एंटी टैंक सिस्टम है। मतलब कि लाइक वो ये एडवांस वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन कुछ उसी तरह से हमारे पास कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, और ये हमारे पास बनाने का काम किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की जब भी मैं बात करता हूँ याद रखिएगा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, इसके करंट जो चेयरमैन है वो कौन है हमारे पास? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके करंट हेड है। हाँ जी, क्लियर। सो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो मिसाइल है वो हमारे पास नाग का ही एक एडवांस वर्जन है। नाग मिसाइल के बारे में अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि नाग इज अ विच टाइप ऑफ मिसाइल, तो याद रखना है कि जो नाग मिसाइल है वो हमारे पास एक एंटी टैंक मिसाइल है। दैट इज, नाग मिसाइल इज एंटी टैंक मिसाइल। और इसी का एक और वर्जन है जो आपको बता दूं, हेलीना। इसी का एक और वर्जन है हेलीना। हेलीना मिसाइल भी हमारे पास एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। हेलीना मिसाइल भी हमारे पास हेलीना मिसाइल भी एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो हेलीना, नाग और हमारे पास दैट इज MPATGM, ये सब क्या है? दे आर एंटी टैंक मिसाइल्स, ठीक है? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत ने एक एंटी टैंक मिसाइल खरीदी थी स्पाइक के नाम से, तो याद रखें ना, स्पाइक नाम से जो मिसाइल खरीदी थी वो भी एक एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि इंडिया ने खरीदी है इसराइल से। एक्चुअली क्या टैंक्स को ही हमें डिस्ट्रॉय करना होता है? बेसिकली टैंक को, एंटी टैंक मिसाइल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टारगेट को या बंकर को वो एक एफिशिएंसी के साथ हिट कर सकती है, एक पर्टिकुलर स्लो मूविंग या स्टेशनरी टारगेट को। हेलीकॉप्टर मिसाइल्स का, ये सॉरी, टैंक
एंटी टैंक मिसाइल्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्लो मूविंग टारगेट्स को या एक स्टेशनरी टारगेट को, जो बिग टारगेट है, उसको इफेक्टिवली हिट किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसके लिए इन मिसाइल्स का बेसिकली यूज होता है। तो भारत में जितनी मिसाइल्स बनती हैं, सो उनमें से मैक्सिमम मिसाइल्स जो हैं दे आर मेड बाय DRDO। हाँ जी क्लियर। कुछ शायद ही कुछ हमने थोड़ी बहुत बाहर से खरीदी हैं, ज्यादातर मिसाइल्स हमने खुद बनाई हैं। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ओरंग नेशनल पार्क। अब देखो बच्चों, जिन नेशनल पार्क के नाम में, एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, हमारे पास जिन नेशनल पार्क के नाम में हमारे पास रंग वर्ड आ जाए, वो हमारे पास आपको कहां देखने को मिलेंगे, वो सारे नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिलेंगे, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। तो ये जितने भी हमारे पास जिन पार्क नेशनल पार्क के नाम में रंग आता है, जनरली वो आपको असम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट ने यहां पर क्या डिसीजन लिया है, असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो साइज इंक्रीज करेंगे ओरंग नेशनल पार्क का। तो ओरंग नेशनल पार्क जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के हमारे पास नियर बाय आपको देखने को मिलता है, और हमारे पास इसकी वजह से कई, इसमें कई सारे आइलैंड्स वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं, तो काफी सारा फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। इसका ओल्ड नेम था राजीव गांधी नेशनल ओरंग नेशनल पार्क, लेकिन अभी से ओरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि हमारे पास जो नेशनल पार्क हैं ये किस लिस्ट में आते हैं, तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट क्या होती है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपको बता दूं कि कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है नेशनल पार्क का सब्जेक्ट जो है, पहले ये हमारे पास, अगर मैं बात करूं, ये जो था वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा था, मतलब कि पहले केवल स्टेट गवर्नमेंट ही नेशनल पार्क को लेकर कानून बना सकती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। और ये कैसे हो पाया, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर लाया गया। हाँ जी क्लियर। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है फॉर वन हॉर्न राइनोस। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये एक हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोज आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलेंगे, दैट इज इन द स्टेट ऑफ असम। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। पैनल टू प्रोब द पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। अब ये आपने बहुत सुना होगा कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो है उनका दौरा हुआ था अभी पंजाब का, और वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। आपको पता होगा कि उन्हें कुछ इस तरह से फ्लाईओवर पे खड़ा होना पड़ा। ये हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड साहब देख रहे हैं, ये हमारे पास स्पेशल पीएम सिक्योरिटी के लिए हमारे पास अपॉइंटेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका पूरा काफिला जो है फ्लाईओवर पे रुका रहा, और कुछ लोगों ने उनके रास्ते को ब्लॉक किया और वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। अब देखो इसके ऊपर कई तरह की बातें चल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको हवा बना दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो हुआ गलत हुआ। एक बाकी मुझे पता नहीं गलत हुआ या सही हुआ क्या चीज, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, अल्टीमेट नुकसान इसमें पंजाब का हुआ। ये बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट करने आ रहे थे पंजाब में, और वो योजनाएं स्टार्ट नहीं हो पाई। कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट थे जो पंजाब में स्टार्ट होने थे, अब वो पता नहीं कब स्टार्ट होंगे। तो कम 40-50 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने थे, और अल्टीमेटली पंजाब के लोगों को रोजगार मिलना था, पंजाब की इकोनॉमी आगे बढ़नी थी। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ नुकसान हुआ? नुकसान पंजाब के लोगों का हुआ। तो ये बात ध्यान से समझना। अब सिक्योरिटी को लेकर, पहले तो हमारे पास चन्नी साहब बोलते रहे कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी से नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर देश के होते हैं। आप भले ही बीजेपी को पसंद करें ना करें, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेगा कि एक यहाँ पर पैनल बनाया गया है, जिसमें रिपोर्ट दी जाएगी कि सब में गलती किसकी थी। इस पैनल को लीड कौन करेंगे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, वो हमारे पास इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इसमें हमारे पास, आपको बता दूं कि कई सारे लोग इस कमेटी में शामिल रहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खास बात क्या है, देखो इंदु मल्होत्रा हमारे पास भारत में पहली ऐसी फीमेल है, फर्स्ट फीमेल इन द इंडियन हिस्ट्री, जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया डायरेक्टली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ, हां जी, ये एक लॉयर थी,
डायरेक्टली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लॉयर, एक वकील की पोजीशन से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, तो ये भारत की ऐसी पहली महिला है जो लॉयर से सीधा सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। हाँ जी क्लियर। तो पेपर पॉइंट से याद रखना, इंदु मल्होत्रा शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टली एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट लॉयर। दिल्ली हाई कोर्ट वकील से सीधा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास जज के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। तो ये बहुत ही खास बात है, आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में जो जज की रिटायरमेंट एज होती है वो 65 ईयर होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज का ना तो ट्रांसफर हो सकता है ना ही डिमोशन हो सकती है। हाँ जी क्लियर। ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो सकता है ना ही डिमोशन हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। ओके। और सुप्रीम कोर्ट में राइट नाउ कितने जज हैं हमारे पास? 33+1। हाँ जी क्लियर। सुप्रीम कोर्ट में राइट नाउ कितने मैक्सिमम जज स्ट्रेंथ है? 33+1। वन हेयर मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर टोटल 33+1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इंडियाज ओल्डेस्ट स्लोथ बियर। ये स्लोथ बियर हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों, ये हमारे पास कहां था? वन विहार नेशनल पार्क में। अब वन विहार नेशनल पार्क एंड जू, ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभी न्यूज में था ये भारत में कहां देखने को मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क एंड जू, तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ठीक है, इस बियर की एज जो थी वो 40 थी। ठीक है, ये जो हमारे पास स्लोथ बियर होते हैं इनको लेबिएटेड बियर के नाम से भी जाना जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज लेबिएटेड बियर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये भारत में कई जगहों पर मिलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसमें एक ही बनता है कि वन विहार नेशनल पार्क एंड जू भारत में आपको कहां देखने को मिलेगी। सो ये भारत को मैं आपको देखने मिलेगी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर नहीं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत। तो यहां पर एक बोल्ड स्टेप लेते हुए, मैं ये कहूंगा कि बहुत ही एडवांस सोच रखते हुए हमारे पास कुंबलगनी विलेज हमारे पास है कोचीन में, ये फर्स्ट सैनिटरी फ्री नैपकिन पंचायत बन गई है। तो आपको बता दूं कि यहां पर अवल का ही इनिशिएटिव था। पेपर पॉइंट से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अवल का ही इनिशिएटिव किस चीज से संबंधित था। तो एक्चुअली सैनिटरी पैड की जगह ये मेंस्ट्रुअल कप का यूज किया जाएगा, यहां पर मेंस्ट्रुअल कप का यूज किया जाएगा। एक्चुअली कहा जाता है कि सैनिटरी नैपकिन की वजह से एनवायरमेंट में, देखो हमारे पास देखो कई सारी, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट को लेकर, लेकिन बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है कि सैनिटरी पैड्स की वजह से हमारे पास जो कचरा है, जो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो हमारे पास जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो जमाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली उसको रिप्लेस करने के लिए मेंस्ट्रुअल कप्स के यूज़ करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कुंबलगनी विलेज हमारे पास है कोची में, तो यहाँ पर ये पहला विलेज बन गया है जो पूरा का पूरा हमारे पास सैनिटरी नैपकिन फ्री है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये भारत का पहला इस मॉडल टूरिज्म विलेज भी बन चुका है, ये विलेज जो है पहला भारत का मॉडल टूरिज्म विलेज भी बन चुका है। तो आप याद रखिएगा अव्वल का ही इनिशिएटिव विलेज का नाम, और ये भी ये याद रखना है कि भारत का पहला मॉडल टूरिज्म विलेज है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास व्हाइट स्वैन स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज, देखो ध्यान सुनना। हमारे पास रशिया ने, अभी आपको पता होगा कि नेटो के साथ खींचतान चल रही है, नेटो जो है वो कई बार रशिया को आंख दिखा चुका है यूक्रेन के इशू पर। ठीक है, अब यहां पर रशिया ने इन सब दिक्कतों के बीच एक नया बॉम्बर टुपलेव TU-160M, हाँ जी क्लियर। तो ये जो बॉम्बर है ये जिसको व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है, इसको हमारे पास टेस्ट फायर किया है। वर्ल्ड में सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है B-2 बॉम्बर, ये हमारे पास यूएसए का एक बॉम्बर है। बॉम्बर क्या होता है, जो अपने साथ बहुत सारे बम्स को एक साथ लेके जाता है और जब वो चाहेगा तो सारे बम्स को एक साथ गिरा देगा। ठीक है, बहुत सारे बड़े लेवल पर हथियारों को जो ले जा सके, तो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 बॉम्बर का कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां पर सॉरी रशिया ने व्हाइट स्वान नाम से एक बॉम्बर यहां पर टेस्ट फायर किया है जो हमारे पास 600 मीटर तक क्या कर सकता है, हमारे पास एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, और ये हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है। तो हैवीएस्ट, अब खास बात क्या है सॉरी
सबसे खास बात कि मोस्ट हैवीएस्ट सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है हमारे पास, ठीक है। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट नेटो, ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रशिया के हर मूव पे नजर रखता है और इसने हमारे पास यहां पर रिपोर्ट किया है इस व्हाइट स्वैन के नाम को ब्लैक जैक। तो आपको याद रखना है कि व्हाइट स्वैन या टुपोलेव TU-M60, ठीक है, या फिर ब्लैक जैक, ये तीनों हमारे पास किसके नाम है, ये रशिया के नए बॉम्बर के नाम है। एग्जाम पॉइंट उसे आप याद रखेंगे ये तीनों चीजें क्या हैं, रशिया के नए बॉम्बर के नाम है। तो नेटो की फुल फॉर्म याद रखेगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक मिलिट्री ग्रुप है। जो कहां से ऑपरेट करता है, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा ब्रसल्स बेल्जियम। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने मिलेगा, ब्रसल्स में, ब्रसल्स इन बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट न्यूज आगे चलते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज, न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। डॉक्टर एस सोमनाथ, अगेन वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट फ्रॉम केरला, ठीक है। ये हमारे पास के सिवान को रिप्लेस करने जा रहे हैं और इसरो के नए चीफ बन जा रहे हैं। इसरो, देखो, इसरो ने हमारे भारत का नाम बहुत बार जो है सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है इंटरनेशनल लेवल पर। तो डॉक्टर एस सोमनाथ बिकेम द न्यू चेयरमैन, फोर्थ केरलाइट है जो इस पोजिशन को इसरो में लेंगे। तो इसरो की जब भी मैं बात करता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर हमारे पास बेंगलुरु में है और इसरो अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है वो कहां से, मतलब जो सैटेलाइट्स है वो कहां से लॉन्च करता है, दैट इज फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। सारे जो सैटेलाइट्स है वो कहां से लॉन्च किए जाते हैं, याद रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहां है हमारे पास, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हमारे पास सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से भारत के ज्यादातर जो सैटेलाइट्स हैं वो मतलब लॉन्च किए जाते हैं। कुछ सैटेलाइट्स को हम फॉरेन से आउटसोर्स करके भी हमारे पास लॉन्च कराते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हम कुछ सैटेलाइट्स को फॉरेन से भी रिप्लेस कराते, फॉरन से भी लॉन्च कराते हैं बेसिकली। तो उसके लिए हम एरियान स्पेस का यूज करते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किनको बोलते हैं, तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारत में स्पेस प्रोग्राम की नींव किसने रखवाई, तो भारत में स्पेस प्रोग्राम की नींव रखवाई विक्रम साराभाई ने, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ। थोड़ा सा यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि इसरो जो है वो हमारे पास, अगर हम बात करें, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था एज इनकोस्पर, दैट इज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। बाद में इन स्कोपर जो है इसरो के रूप में हमारे पास देखने को मिला इन द ईयर 1969। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इसरो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, तो याद रखें 1969, और उसका ओल्ड नेम क्या था हमारे पास, इन कोस्पर, दैट इज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले में रखा गया था ऑन द ओकेजन ऑफ आर्मी डे, ठीक है, आर्मी डे के उपलक्ष्य में ये हमारे पास डिस्प्ले में रखा गया था। सबसे बड़ा फ्लैग है ये, सबसे पहले इसको लद्दाख में डिस्प्ले किया गया था, अब यहाँ पर लोंगे वाला में इसको डिस्प्ले किया गया। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी हो तो लोंगे वाला नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस चेक पोस्ट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, इन द जैसलमेर, राजस्थान, जैसलमेर के पास राजस्थान में, ठीक है। तो 1971 की वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को यहां पर धो धो के मारा था। हाँ जी, क्लियर। मेजर कुलदीप सिंह यहां पर लीडर थे जिन्होंने बुरे तरीके से यहां पर पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी। इस फ्लैग को प्रिपेयर किसने किया है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने। जब भी हम इंडियन फ्लैग की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, भारत का नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था, अवर नेशनल फ्लैग डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया।
हाँ जी क्लियर। बंगाली वेंकैया इज द पर्सन हु डिजाइंड अवर नेशनल फ्लैग। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा जिसका आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिए अगर आपको पता है तो, कि हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया था, ऑन विच पर्टिकुलर डेट वी अडॉप्टेड अवर नेशनल फ्लैग। भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय फ्लैग को अडॉप्ट किस दिन किया था, एग्जैक्ट डेट एंड ईयर, तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट फॉर गगनयान। अब देखो इसरो के बारे में हम बात कर रहे थे, इसरो का आने वाले टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है वो है गगनयान मिशन। अभी गगनयान मिशन क्या है, देखो अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ तीन ही कंट्रीज हैं जो ह्यूमंस को अपने दम पे स्पेस में भेज पाई हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जिस कंट्री ने किया था, यूएसएसआर, जिसको आज आप रशिया के रूप में जानते हो, फिर यूएसए, फिर हमारे पास अगर हम बात करें चाइना। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया ने यहाँ पर तैयारी कर ली है गगनयान मिशन की, जिसमें हम तीन एस्ट्रोनॉट्स को 5 से 7 दिन के लिए स्पेस में भेजेंगे, लो ऑर्बिट में भेजेंगे। हाँ जी क्लियर, अपने तीन एस्ट्रोनॉट्स को। और इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ चल रही है हमारे एस्ट्रोनॉट्स की, आपको बता दूं इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है रोस कॉस्मोस। हमारे पास रशिया की स्पेस एजेंसी है रोस कॉस्मोस, हमारे पास रशिया में हमारे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग को कंडक्ट करा रही है, जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाएंगे उनकी ट्रेनिंग को कंडक्ट करा रहे हैं। तो गगनयान जो मिशन है वो उम्मीद की जा रही है कि 2023 में, पहले 2022 में इसको लॉन्च करने की संभावना थी लेकिन कोविड के चलते मिशन डिले हो गया, तो 2023 में हम इसको लॉन्च कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो इंडिया का पहला जो स्पेस मिशन होगा, मैन्ड स्पेस मिशन, उसका नाम होगा गगनयान। और इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको बता दूं 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हुए हैं, ₹10,000 करोड़, एक भारी भरकम अमाउंट इस प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी एलोकेटेड है, ताकि इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में और आगे बढ़ सके। हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, ध्यान से सुन लेना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट एरिया रहा और हर बार की तरह वो हमारे पास मध्य प्रदेश का ही रहा, तो थोड़ा सा हम डिटेल्स पे नजर डाल लेते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इट इज कॉल्ड ISFR 2021। द रिपोर्ट सेज दैट देयर हैव बीन कंटिन्यूस ग्रोथ इन द फॉरेस्ट इन इंडिया, और भारत में फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़कर हो गया है 21.71%। टारगेट कितना है, हाँ जी क्लियर, टारगेट कितना है, तो टारगेट है भारत का 33% एरिया पे फॉरेस्ट कवर हो। तो टारगेट याद रखना, भारत का टारगेट है 33%, अभी फॉरेस्ट कवर कितना है 21.71%, अभी फॉरेस्ट कवर कितना है 21.71%। अगर हम थोड़ा सा और फैक्ट्स पे नजर डालें, तेलंगाना ने हाईएस्ट जो है ग्रोथ शो की है, तेलंगाना ने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर को अपने यहां पे, सॉरी, तेलंगाना ने सबसे ज्यादा अपने यहां पे हाईएस्ट इंक्रीज किया है फॉरेस्ट कवर में, और उनका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ 3.07%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि स्टेट ने हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज किया, तो तेलंगाना सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का रहा, तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास विजन इंडिया एट 2047। तो यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने एक प्लान फाइनलाइज किया है 2047 में। यहां पर बेसिकली होगा क्या कि 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो ध्यान सुनना, हंड्रेड ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए एक विजन तैयार किया है, ठीक है। यहां पर सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, और यहां पर आपको याद रखना है कितने सेक्टर्स को बेसिकली इन्होंने टारगेट किया है, तो एटलीस्ट 10 सेक्टर्स को यहां पर टारगेट करने की बात चल रही है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने टारगेट्स को यहां, कितने सेक्टर्स को टारगेट करने की बात है, दैट इज 10 different sectors। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो थी उनका टारगेट 2022 रखा था 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन अब यहां पर आपको देखने को मिला 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके लिए पूरा विजन डॉक्यूमेंट जो है वो प्लान आउट यहां पर किया गया है। चलिए जी, ओके, लास्ट न्यूज फॉर द डे और इंटरेस्टिंग वन, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी न्यूज क्या आई है कि इंडिया ने ब्रह्मोस की जो डील है वो फाइनल कर दी है। अब ध्यान सुनना बच्चों, इंडिया ने जो ब्रह्मोस की डील है वो फाइनल कर दी है, किसके साथ,
फिलीपीन के साथ। अब फिलीपीन जो है वो साउथ चाइना सी में, अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, तो साउथ चाइना सी में चाइना अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है और फिलीपींस के साथ उसका कन्फ्लिक्ट है। तो अब चाइना क्या करता है, जो चाइना कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हमने कहा कि ठीक है तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला कर लिया। अल्टीमेटली दिक्कत किसको होगी, चाइना को, इससे हमें पैसा भी मिलेगा, दोनों दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है। तो 374 मिलियन डॉलर की डील हुई है ब्रह्मोस की। और यहाँ पर आपको जो चीजें याद रखनी है, देखो ब्रह्मोस जो हमारे पास मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है जिसकी अभी रेंज है 290 किलोमीटर, लेकिन अब इंडिया MTCR का मेंबर है। तो MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। आपको बता दूं कि पहले इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था, इंडिया अब MTCR का मेंबर है। तो इंडिया कितनी भी इसकी जो रेंज है वो बढ़ा सकता है आने वाले टाइम में। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक आपको होती ही दिखाई देगी, लेकिन अभी 290 किलोमीटर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है, इंडिया मेंबर है, चाइना मेंबर नहीं है MTCR का। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल और ये सारा इशू क्या है। तो साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना का इशू रहता था, तो हमने फिलीपींस की हेल्प करने के लिए उनको एक मिसाइल पकड़ा दी है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, डील हो गई है फाइनल। इंडिया को फायदा होगा यहाँ पर, चाइना थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा। और खास बात क्या है, जब भी हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल, सो डू रिमेंबर ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। इंडिया और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को जो है वो डेवलप किया है। सो ब्रह्मोस का जो नाम है वो हमारे पास दो रिवर्स के नाम से आया है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ऑफ इंडिया एंड मोस्कवा रिवर ऑफ रशिया। तो ये चीज याद रख लेना, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया एंड मोस्कवा रिवर ऑफ रशिया, ये दो रिवर्स के नाम से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आया है। और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब हमारे पास फास्टेस्ट इन द स्पीड ऑफ साउंड। इसकी जो स्पीड है, इस मिसाइल की जो स्पीड है वो अराउंड 2.8 मैक है। मैक इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ स्पीड, यहां पर याद रखना, स्पीड की जो मेजरिंग यूनिट होती है उसको मैक बोलते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कंसीडर की जाती है, ब्रह्मोस मिसाइल। तो इससे आने वाले टाइम में चाइना को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये वाटर, एयर और लैंड तीनों जगह से लॉन्च की जा सकती है। तो वर्ल्ड में ना इंडिया चौथी ऐसी कंट्री है जिसके पास ट्रायड मिसाइल है। ट्रायड मिसाइल का मतलब क्या होता है, जिसको लैंड से भी लॉन्च किया जा सके, एयर से भी लॉन्च किया जा सके और वाटर से भी। ट्रायड मिसाइल अब तक सिर्फ तीन ही कंट्रीज बना सके, वो कौन सी तीन कंट्रीज हैं, US, रशिया, फ्रांस, और चौथा कंट्री इंडिया बना है। तो चाइना के पास भी कोई ट्रायड मिसाइल नहीं है, लेकिन इंडिया के पास ट्रायड मिसाइल है और उस ट्रायड मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। तो आई गेस ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे स्टूडेंट लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।